हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो मुख्य परीक्षा हुई थी 2021 का, उसका सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र फर्स्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये जो पेपर आया था वो है और ये जो प्रश्न है इसके उत्तर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखिए इसमें आपको 3 घंटे का टाइम मिलता है प्रश्न पत्र फर्स्ट में, सामान्य अध्ययन में। ठीक है, और इसमें अधिकतम अंक आपको 200 मिलते हैं। ठीक है, कुछ विशेष निर्देश लिखे हैं नोट में, यहाँ पर आपको बता दें कुल 20 प्रश्न दिए होते हैं। खंड आ से 10 प्रश्न लघु उत्तरी, जिनके प्रत्येक उत्तर की शब्द सीमा 125। खंड वा से 10 प्रश्न दीर्घ उत्तरी हैं, जिनके प्रत्येक उत्तर की शब्द सीमा 200 निर्धारित है, जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में छपे हैं। सभी प्रश्न आपको अनिवार्य हैं, करना है पूरा। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं। खंड आ इस तरीके से क्वेश्चन पूछा है। देखिए पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। ठीक है, ये सब ऑथेंटिक है हमारे चैनल पर। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में खंडा से। देखिए प्रश्न, वैदिक साहित्य में वर्णित भारत की भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। वैदिक साहित्य में वर्णित भारत की भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन करना है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से लिखना है इंट्रोडक्शन। देखिए, ऋग्वैदिक काल को लोगों ने उस क्षेत्र को सप्त सैदब कहा जहां वे निवास करते थे। बाद के साहित्यों में उन्होंने इस क्षेत्र को आर्यावत भी कहा। इस तरीके से लिखना है आपको, लिखना है इस तरीके से। आर्यों का सप्त सैदब क्षेत्र ऋग्वैदिक काल में, पूर्व में हिमालय और तिब्बत, उत्तर में तुर्किस्तान, पश्चिम में अफगानिस्तान तथा दक्षिण में अरावली श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। इस प्रकार वैदिक भूगोल के अंतर्गत वर्तमान समय का अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर पूर्व राजस्थान, पश्चिमोत्तर उत्तर प्रदेश, पश्चिमोत्तर उत्तर प्रदेश आदि सम्मिलित थे। उत्तर प्रदेश सम्मिलित है इसमें, कहीं पर भी दक्षिण भारत का क्षेत्र सम्मिलित नहीं है। आगे देखिए भौगोलिक विशेषताएं, आपको इस तरीके से यहाँ बीच में लिख देना भौगोलिक विशेषताएं। और भौगोलिक विशेषताएं समुद्र, मरुस्थल, नदियां, पर्वत, इस तरीके से। अब नदियों के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लें। देखिए, प्रारंभिक ऋग्वेदिक श्लोकों से यह ज्ञात होता है कि वैदिक संस्कृति यमुना, सूत्रदी और सरस्वती नदियों के क्षेत्र में विस्तृत है। इसके अलावा कुंभा, कुम्मु आदि नदियों का उल्लेख भी मिलता है। पर्वत, वैदिक की साहित्यों में या फिर वैदिक साहित्यों में हमें हिमालय, अर्जिका, मुजवंत, शिलामेंद आदि पर्वतों का उल्लेख प्राप्त होता है। समुद्र, प्रारंभिक ऋग्वैदिक साहित्यों से हमें समुद्र से संबंधित कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है, किंतु उत्तर वैदिक काल में समुद्रम का उल्लेख प्राप्त हुआ। इसके साथ ही शतपथ ब्राह्मण में पूर्वी और पश्चिमी समुद्र की चर्चा की गई है। मरुस्थल, ऋग्वेदिक काल के लोग मरुस्थल से अनभिज्ञ थे, किंतु तैत्तिरीय आरण्य में कुरुक्षेत्र के उत्तरी हिस्सों को मरु क्षेत्र कहा गया है। इसके साथ ही वैदिक साहित्य एक ग्रामीण सभ्यता थी, शहरों का उदय नहीं हुआ था, अतः किसी बड़े नगर का उल्लेख नहीं मिलता है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका कंक्लूजन हो गया, निष्कर्ष हो गया फ्रेंड्स। इस तरीके से आपको लिखना है पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर दो, ये जो मैंने पहला प्रश्न है आपको बता दें, ये आपको 125 वर्ड्स में लिखना था। चलिए प्रश्न दो, उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारियों का भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में योगदानों का मूल्यांकन कीजिए। उत्तर प्रदेश भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और भारतीय राजनीति का केंद्र रहा है। उत्तर प्रदेश की भूमि ने स्वतंत्रता सेनानियों के रूप में अनेक महान व्यक्तित्व दिए हैं, जिन्होंने देश के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए अपने निजी जीवन का बलिदान कर दिया, जिनमें से कुछ क्रांतिकारियों का योगदान निम्नलिखित है। आइए देखते हैं, पहले इधर इस तरीके से आपको करते जाना। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब, राव कदम सिंह, मौलवी लियाकत अली,
ठीक है, बेगम हजरत महल तथा वक्त खां आदि ने 1857 की महान क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया था। मौलाना मोहम्मद अली तथा मौलाना शौकत अली ने इस आंदोलन में मुस्लिमों का नेतृत्व किया तथा उन्हें आंदोलन से जोड़ा। गाजीपुर जिले के स्वामी सहजानंद सरस्वती ने ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना कर किसानों को ब्रिटिश नीतियों के विरोध के लिए संगठित किया। राम मनोहर लोहिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त रेड़ियों का संचालन किया। हसरत मोहानी जो एक उर्दू के शायर थे, उन्होंने ही इंकलाब जिंदाबाद का नारा लोगों को दिया। चित्तू पांडे जिन्हें बलिया का बाघ भी कहा जाता है, ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेज के विरुद्ध बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना की। गणेश शंकर विद्यार्थी ने पत्रकार के रूप में स्वतंत्रता की अलख जगाने का कार्य किया। उन्होंने असहयोग आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहिड़ी, रामप्रसाद बिस्मिल आदि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े थे। इस तरीके से दूसरा प्रश्न कंप्लीट होता है। ये भी आपको 125 में लिखना था। अब आ जाते हैं प्रश्न 3 पर। औद्योगिक क्रांति केवल तकनीकी क्रांति ही नहीं अपितु सामाजिक एवं आर्थिक क्रांति भी थी, जिसने लोगों के जीने का ढंग परिवर्तित कर दिया। टिप्पणी कीजिए। चलिए आर्थिक प्रभाव देख लेते हैं। उत्तर में आपको सकारात्मक, इस तरीके से आर्थिक प्रभाव सकारात्मक। देखिए, बड़े बड़े कारखानों की स्थापना हुई, रोजगार में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि, अर्थव्यवस्था का सशक्तिकरण, बैंकिंग एवं मुद्रा प्रणाली में वृद्धि। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर बुक में प्रश्न का आंसर छापा है। ठीक है, प्रश्न कैसा बोला था पहले से ही देखते हैं। 1 मिनट, इस प्रश्न को देखते हैं दोबारा। औद्योगिक क्रांति केवल तकनीकी क्रांति ही नहीं अपितु सामाजिक एवं आर्थिक क्रांति भी थी, जिसने लोगों के जीने का ढंग परिवर्तित कर दिया। जैसे टिप्पणी कीजिए, टिप्पणी में हम लोगों को सकारात्मक एवं नकारात्मक लिखना होता है, लेकिन यहाँ पर इंट्रोडक्शन की कमी है। इंट्रोडक्शन की कमी के कारण यहाँ पर हम आपको एडिट कर रहे हैं इस वीडियो में, और यहाँ पर परिभाषा लिख रहे हैं औद्योगिक क्रांति की। इस औद्योगिक क्रांति को आप जरूर इंक्लूड करें परिभाषा को, ठीक है, और उसके बाद आप मेन बॉडी में इस तरीके से स्टार्ट कर दें आर्थिक प्रभाव। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर आ गए थे, और यहाँ से हम लोग यहाँ से देखते हैं 6 नंबर पर। जीवन स्तर में सुधार, श्रमिकों व आधारभूत संरचना का विकास, ठीक है, वस्तुओं की बृहद स्तर पर उपलब्धता से महंगाई में कमी, परिवहन रेल सड़क नौवहन का विकास हुआ, नगरीकरण को बल मिला, वैश्वीकरण की ओर सशक्त प्रयास हुए, और नकारात्मक प्रभाव में गंदी वस्तुओं का विकास हुआ, कम वेतन व अस्वस्थ वातावरण में रहने को श्रमिक मजबूर हो गए थे, छोटे उद्योग व छोटे व्यापारियों पर नकारात्मक प्रभाव, पूंजीपतियों द्वारा लाभ पर जोर, श्रमिकों का शोषण हुआ, और लघु उद्योगों व हस्तशिल्प उद्योगों का विनाश हुआ, बाजारों की आवश्यकता, उपनिवेशवाद को बढ़ावा, एशिया अफ्रीका आदि। ठीक है, और कृषि की अपेक्षा उद्योगों के महत्व पर जोर हुआ, इस तरीके से ये प्रश्न। और सामाजिक प्रभाव भी लिखना होगा आपको, आर्थिक प्रभाव सामाजिक प्रभाव इस तरीके से लिखने होते हैं। ठीक है, अब जैसे सामाजिक प्रभाव, इसमें आपको सकारात्मक भी बताना है, नकारात्मक भी बताना है। ठीक है, तो देखिए, पुरुषों के साथ महिला हेतु रोजगार के अवसर में वृद्धि, सामंतवाद का पतन, शोषण से मुक्ति हुई, शिक्षा स्वास्थ्य पर खर्चों में वृद्धि हुई, महिलाओं के स्वतंत्रता व अधिकारों को महत्व मिला, कारपोरेट सामाजिक दायित्व पर बल, आय के अवसरों में वृद्धि हुई, नगरीकरण का विकास हुआ, संयुक्त तो परिवार के स्थान पर एकल परिवार को बढ़ावा मिला। नकारात्मक प्रभाव, जैसे कि इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, आपको जो जो मेन लगे वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, जब आप क्लास कर रहे हैं, अगर नोट करना चाह रहे हैं तो। अब देखते हैं नकारात्मक प्रभाव। नगरीकरण के कारण जनसंख्या में वृद्धि तथा इससे संबंधित समस्याओं में वृद्धि, बेरोजगारी, महंगाई, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का जन्म हुआ,
कम मजदूरी पर अधिक समय तक काम करने की बाध्यता, उदाहरण महिलाओं को 12-12 घंटे तथा बच्चे 9-9 घंटे। इस तरीके से आपको अगर उदाहरण के साथ कोई चीज़ लिखोगे वो ज़्यादा इफेक्ट देता है ना, तो इस तरीके से आप इसको जोड़ सकते हैं। सामाजिक अपराध व तनाव में वृद्धि, स्त्रियों व पुरुषों की आय में असमानता, ठीक है, मध्यम वर्ग के रूप में एक नया सामाजिक वर्ग का जन्म जिसने उत्पादन के साधनों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, तकनीकी विकास, और फिर यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है, तकनीकी विकास में औद्योगिक क्रांति के द्वारा निम्न तकनीकों का विकास हुआ, भाप, लोकम मोटिव इंजन का विकास, इलेक्ट्रॉनिक रेलवे व इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर का विकास, संचार के साधन टेलीफोन व तार का विकास, सूती वस्त्रों की सिलाई हेतु पावर लूम का आविष्कार, कपड़ों को रंगने हेतु रासायनिक उद्योगों का विकास, लौह उद्योगों में सहायक तकनीकों का विकास, सड़क व रेल निर्माण तकनीकों का विकास। और इस प्रश्न में बुक ने एक कमी कर दी थी, इसमें पहले इंट्रोडक्शन भी अच्छे से नहीं दिया था और कंक्लूजन भी नहीं दिया, तो कंक्लूजन यहाँ पर हम एडिट कर रहे हैं, आप इस कंक्लूजन को नोट कर लें और नेक्स्ट क्लास टू दें।